अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे यार, ये वकील अभी तक आया क्यों नहीं? When come? आया, अगले बंटी भैया, all the best, चल। कहाँ दिख रहा हूँ बोल रहा? काकी का, दिख रहा? तुम्हारा नाम तो प्रमोद देसाई ना, LLB, हाईकोर्ट का वकील। हाँ जी, आप कौन? बेटा, मोरू नाम, कैसेट बांटने वाला, LLB, हाईकोर्ट का पहले का, माने ना? मुझे तो हमारा काम होता, हेल्प चाहिए होता। जी बोलिए, कैसी हेल्प? एक एफिडेविट पे ना साइन करवाना होता। कौन सा एफिडेविट? अभी क्या बताऊं मैं तुमको दिखा, मुझे शहर से बाहर जाना होता ना, तो एफिडेविट पे साइन करके कोर्ट में पेश करना होता। ऐसा क्यों? कोई क्राइम किया है क्या? क्राइम? बेटा नल्लो क्राइम नहीं की दो तो, बहुत मोटो क्राइम की दो तो, बहुत लंबा स्टोरी है, पर तू जोर दे रहा है तो तू सुन लेना भाई। कई साल पहले का बात होता, एक क्लाइंट होता, उसने प्रॉपर्टी का पेपर तैयार करने को दिया होता। मैं प्रॉपर्टी का पेपर तैयार करके दे दूँ उसके वारिस बच्चे के लिए, पूरा जायदाद उस बच्चे के नाम कर दे रहा होता। वो तो बाद में पता चला दिख रहा कि वो नल्लो छोकरा उसका था ही नहीं, फ्रॉड होता। मैंने पूरा प्रॉपर्टी का पेपर उसके नाम कर दे दूँ फिर कोर्ट, कोर्ट तो बीच में आ गई, फिर कोर्ट ने ना पूरा इल्जाम मुझे लगा दिया, 4 साल की सजा कर दे दूँ। 4 साल की सजा? हाँ, 4 साल की सजा, एफिडेविट पे साइन करवा ली होती ना तो मोरी वाइफ जेनिफर मुझे छोड़ के ना जाती। अरे अरे, कौन सी चीज? DNA टेस्ट दिख रहा क्या ना, कि अगर तुम DNA टेस्ट करवा लो ना तो उससे पता चल जाता है कि वो बच्चा उस घर का है कि नहीं। तभी से दिख रहा, कान पकड़ लियो कि प्रॉपर्टी का कोई भी काम हो ना तो पहले DNA टेस्ट करवा लो। आजकल ना बहुत ठंडे बजे चल रहे दिख रहा, तू ध्यान रख। चल दिख रहा, मैं निकलू। एक मिनट रुकिए, पाटली वाला साहब अपने एफिडेविट पे तो साइन करवाया ही नहीं। बच गया। व्हाट? भूल गया, भूल गया। देखा कह रहे हो कि उम्र लायक हो जाए तो इसे भूल गया। ले बेटा कर दे। बाहर निकल जा, खोदाई जी तने जन्नत बख्शी जा। बनके भैया, आपने तो मस्त एक्टिंग की। गुड एक्टिंग। थैंक यू। कमाल तो तेरा है तुलसी, आइडिया तेरा जो था। वो कहते हैं ना कि चेला कब गुरु से आगे निकल जाए पता ही नहीं चलता। शाबाश तुलसी, मेरी तुलसी। आज तो हम लोग भी कहेंगे तुलसी हमारी बड़ी सयानी। चल चल निकल। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। DNA टेस्ट? नमस्ते वकील सर। नमस्ते। रघु, मम्मी जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए ना वकील साहब क्या कह रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी वृंदा के नाम करने से पहले हमें वृंदा का DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा। DNA टेस्ट? हाँ, एक्चुअली सॉरी, मैं लास्ट टाइम आपको बताना भूल गया, पर ये एक रूल है कि कोई भी जायदाद के पेपर बनाने से पहले DNA टेस्ट करना कंपलसरी है, ताकि ये साबित हो सके कि वृंदा आप दोनों की ही बेटी है। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब, हम क्या किसी और के बच्चे को गोद में खिला रहे हैं? नहीं विमला जी, मैं तो बस। बस क्या? आप इतने सालों से हमारे फैमिली लॉयर हैं, आपको हम पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है, बात कायदे की है, और रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। और
जिंदा आपसे इतने साल दूर जो रही है तो डीएनए टेस्ट करना ही सही होगा। हाँ। कैसे वकील साहब, सब ठीक? चलिए पेपर साइन करें। वकील साहब कह रहे हैं कि उन्हें सबूत चाहिए कि हमारी वृंदा असली वृंदा है और इसीलिए वृंदा का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। डीएनए टेस्ट वृंदा का? क्या वकील साहब, रायचंद परिवार में हर इंसान को रायचंद होने का सबूत देना पड़ेगा? देखिए ना मम्मी जी, हमें नहीं पता होगा वृंदा हमारी बच्ची है या नहीं, और ये डीएनए टेस्ट माँ की ममता से बड़ा कोई टेस्ट नहीं होता इस दुनिया में। और जानकी भाभी की आंखों में प्यार देखिए वृंदा के लिए, कौन कहेगा कि वृंदा इनकी अपनी बच्ची नहीं है? देखिए मैं आप लोगों के जज्बात समझता हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, मैं वृंदा के डीएनए टेस्ट करे बिना पेपर्स पे साइन नहीं करा सकता। अरे वकील साहब, लेकिन आप एक मिनट राकेश, हमने इतने साल वेट किया तो दो चार दिन और सही। मैं वृंदा के लिए हर चीज तरीके से करना चाहता हूं। अरे पर भैया, एक वकील के कहने पर हम कैसे ये? राकेश बस करो, अगर वकील साहब कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी है तो जरूरी है, डीएनए टेस्ट होगा। जैसा आप वृंदा समझ रहे हैं वो वृंदा नहीं है, ये सच आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। वृंदा उर्फ चमेली, तू तो गई। राम राम साहेब। प्रकाश कैसे हो? एकदम फिट साहेब, वो डॉक्टर ऐसा सुई लगावा कि पूरा शरीर से ना बुखार एकदम चुटकी से दूर हुई गवा। साहेब कल से काम पे आवा था। ठीक है साहेब, ये गाड़ी में रही गवा था। अरे हाँ, वो माँ आश्रम से प्रसाद लाई थी, भूल गई होंगी। जय बाबा जी की। रघु एक मिनट, तुम मत खाओ ये, इसमें मूंगफली है, तुमको एलर्जी है ना, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। थैंक गॉड तुमने बता दिया, वरना अभी हॉस्पिटल भागना पड़ता। पता नहीं मूंगफली से क्या एलर्जी है, माथे की नसें फूल जाती हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। एक काम करो, ये प्रसाद तुम कल बांट देना। कल क्यों, आज ही बांट देती हूँ ना, पर सबसे पहले तुलसी को देने जाऊंगी, वो खुश भी हो जाएगी और इसी बहाने में उसे मिल भी लूंगी। मैं भी चलता हूँ। तुलसी ये लो प्रसाद। अरे वाह प्रसाद, मैं ये ड्राइवर अंकल को दे दूंगी। क्यों, प्रसाद तो हमेशा खुद खाना चाहिए ना, वरना प्रसाद का अपमान होगा। वो मुझे पता है, पर क्या है ना, इस प्रसाद में मूंगफली है और मूंगफली खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने बचपन में खा लिया था और मेरी माथे की सारी नसें फूल गई थी, सांस भी नहीं ले पा रही थी। एकदम बेहोश होने वाली हालत हो गई थी मेरी, तभी डॉक्टर अंकल ने कहा कि जिंदगी में कभी मूंगफली मत खाना। इसलिए मैं ये प्रसाद ड्राइवर अंकल को दे दूंगी। ठीक है, तुम ये प्रसाद ड्राइवर अंकल को दे देना। गुड नाइट जानकी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट सेठ। गुड नाइट।
अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।